अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो आज आपके लिए देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रवाद की परिभाषा को जिस अंदाज में गढ़ा जा रहा है और जिस अंदाज में आतंक के सम्मान वाली सियासत में राजनीतिक कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वो राजनीति को आकर किस दिशा में लेकर जा रहा है। ये रिपोर्ट सियासत कब किस रंग में रंग जाए कोई नहीं जानता, और कब कौन सा नेता क्या कह जाए आज की तारीख में ये भी कोई नहीं जानता, और कब किस शब्द पर बवाल खड़ा कर दिया जाए ये भी आज कोई नहीं जानता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जैसे ही आतंकी मसूद अजहर के लिए जी शब्द का इस्तेमाल करते हुए मसूद अजहर जी का इस्तेमाल किया, मानो सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए गए, कांग्रेस को देश विरोधी करार दे दिया गया और आतंकियों के प्रति कांग्रेस की चाहत के कसीदे पढ़ दिए गए। जरा सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या था। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। राहुल के इस बयान पर बीजेपी पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने लगी, सवाल उठाने लगी, शहादत गिनाने लगी और ना जाने किस किस अंदाज में कांग्रेस के गिरेबान पर दागदार वार कर दिए गए। लेकिन क्या राहुल गांधी की जुबानी सियासी जी शब्द की कहानी पहली बार सियासी मुख से बाहर निकली है? इससे पहले दिग्विजय सिंह भी आतंकी लादेन के लिए जी शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इस आतंकी सम्मान वाली सियासत में जी और श्री कथा के कुछ और अध्याय सुनाते हैं, जिसमें किरदार की भूमिका में बीजेपी है और आरोपी की भूमिका में भी बीजेपी है। पहले सुनिए कुछ महीने पहले देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या बयान दिया था। मित्र पात्रा ने रिकॉर्ड किया है, हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, आप उसके बाद देख लीजिएगा, पुराना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वरों का समर्थन आजकल पाकिस्तान से तुरंत हो जाता है। कानून मंत्री की जुबान पर आतंक की आका के लिए जी शब्द का इस्तेमाल क्या बीजेपी के राष्ट्रवाद पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, जैसे बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रही है। एक और बयान आपको सुनाते हैं, ये बयान कुछ साल पुराना है और इस बयान को दिया था बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने। जमायतुल दावा के चीफ श्री हाफिज सईद और दूसरे जो कमांडर थे हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हुजी। अब जरा सोचिए जी के साथ साथ श्री का था, और आतंकी के सम्मान की सियासत में दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो क्या दोनों ही पार्टियां आतंक प्रेम से ग्रसित हैं, या फिर दोनों ही पार्टियों में दिग्गजों से गलती में ही सही गलती हो गई। बहरहाल जनता को ये तय करना है कि क्या ये गलती से निकला शब्द अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ सकता है, आतंक के प्रति प्रेम को दर्शा सकता है, तो फिर गुनहगार दोनों पार्टियां हैं, और अगर नहीं तो फिर दोनों बराबर। बहरहाल सियासत में आतंक के सम्मान वाली राजनीति कहां तक जाती है देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।